ये जो तार है ना, ये ऐसा निकलेगा, पहले इस तार को छीलना है। छीलना मतलब ये जो इसका जो ऊपर ग्रे कलर का खोल है ना, इसको इसमें से हटाना है। तो हल्का से यहाँ से लिया, यहाँ से जो है इसको करके खींच लिया, बस ऐसे गोल गोल घुमा के। हाँ, ये छिल गया। अब इसमें से ही सारे तार अलग कर लेने। ये जो रेशम का तार और ये प्लास्टिक है ना, इसको काट के अलग कर देनी है। अब ये जो 8 तार निकलेंगे ना, 8 तारों को अलग अलग करना है। पेचकस से, टेस्टर से, किसी से भी सीधे हो जाएंगे सारे बल। इन तारों को छीलना नहीं होता, एज इट इज काम आते हैं, अभी बताएंगे कैसे काम आएंगे। इस कनेक्टर को ऐसे पकड़ना है। ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ये नीचे, और कनेक्टर को ऐसे पकड़ना है ताकि दिखता हुआ रहे कनेक्टर कहाँ जा रहा है। लेना है पहले ऑरेंज वाइट, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद ग्रीन वाइट, फिर ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ग्रे, ग्रे वाइट और ग्रे। ऑरेंज, ऑरेंज वाइट फर्स्ट पे, ऑरेंज सेकंड पे, ग्रीन वाइट थर्ड पे, ब्लू फोर्थ पे, ग्रीन उसके बाद ब्लू वाइट, सॉरी ग्रीन, ब्लू के बाद ब्लू वाइट, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर। अब इन सारे को एक आगे से जो है इनमें चोंच बनाने के लिए एक साथ इनको हल्का सा काट लो, ताकि इनकी जो तार वार आगे पीछे हो गई है सब खत्म हो जाए। अब ये जो कनेक्टर है इसको ऐसे पकड़ना है उल्टे हाथ से, और ये इसमें डालेंगे तो ये सारे तार देखो कनेक्टर से बाहर आ गए हैं। अब इसको इन तारों को जो है खींचना है। खींचो, जब ये तार खिंच जाएंगे तो ये देखो, ये जो कनेक्टर है ना, इसकी खोल यहाँ तक आ गई बिल्कुल, कनेक्टर के पास तक जो है ना खोल आ जाएगी। उसके बाद इसको, इसको क्रिम्पिंग टूल जो है, इसे क्रिम्पिंग टूल कहते हैं, इसमें डालना है। कैसे डालेंगे ये देखो, जो ये पीला वाला हिस्सा लग रहा है, ये पीला वाला हिस्सा इधर की तरफ से डालना है। 6P और 8P, 8P वाले में डालना है। कैसे डालना है, ये जो है ये दबने वाला हिस्सा, ये दबने वाला हिस्सा ये नीचे रहेगा। देखो ये ये देखो इसमें खांच बनी हुई है यहाँ पे, ये जो ऐसे जाएगा, यानी प्लेन वाला हिस्सा जो है वो 8P की तरफ रहेगा। पूरा चला जाएगा, एक मिनट इधर से देखो, ये पूरा चला गया, एकदम फिट हो गया यहाँ पे, ये फिट हो गया। और ये देखो सारे तार खींच के इधर आ गए, ये टूल इधर आ गया। अब जो ये जो है इसमें रेड चैट है, और बस उसे जोर से दबाते रहो, सारे तार कट के अलग हो जाएंगे, एक भी तार इसमें छूटेगा नहीं। यदि जब तक दबाते रहो तब तक कि सारे तार कट के अलग नहीं हो जाएं, और अच्छे से जोर से दबा दो। हो गया, बस ये कनेक्टर बन गया। अभी नहीं निकलेगा कहीं से भी, ठीक है। अब इसमें देखो कलर सीक्वेंस जो अपन ने डाली थी वही है, पहले पे ऑरेंज वाइट है, दूसरे पे ऑरेंज है, तीसरे पे ग्रीन वाइट है, फिर ब्लू है, फिर ब्लू वाइट है, फिर ग्रीन है, फिर ब्राउन वाइट है, फिर ब्राउन है। तो ऐसे ही दूसरी तरफ बनाने, इस तरीके से कनेक्टर बनने हैं।